यस गाइस, अज दे बच्चे आयल्स स्टूडेंट उन्हां दे बहुत ज़्यादा रीडिंग विच्चों ही बैंड स्कोर कर पाते हैं। हर वरी रीडिंग दे विच्चों बैंड स्कोर, हर वरी इन द सेंस कि तुसी 5 वरी पेपर दिता, तुसी 8 वरी पेपर दिता, तुसी 3 वरी पेपर दिता, जस्ट रीडिंग दे विच्चों बैंड स्कोर घट, रीडिंग दे विच्चों 5.5, बाकी 3 दे विच्चों 6.5। ठीक है, इवन कि कई बच्चे 10-10 वारी पेपर दे देंगे है, रीडिंग उन्हों का क्लीयर नहीं होता है। तो रीडिंग एक यहोजा मॉड्यूल है जिदे असं ई ओ आर भी फिल नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, तुसी देख रहे हो मेरा चैनल आयल्स विद सोफिया। प्लीज़ इस चैनल नू वध तो वध सबसक्राइब करो ताकि तुहानू ते तुहाडे फ्रेंड्स नू बहुत वधिया टिप्स मिलदी रहन, एंड ऑलसो मोटिवेट्स मी टू प्रोवाइड यू द बेस्ट मटीरियल। सो प्लीज़ सबसक्राइब माई चैनल, स्टे कनैक्टड विद माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। हाँ जी गाइस, अज की वीडियो दे विच आपां डिस्कस करांगे कि तुहाडे रीडिंग दे विचों बैंड स्कोर घट क्यों आंदे आ। फस्ट कारण की हैगा वै तुहाडा फीयर। फस्ट की है कारण तुहाडा फीयर, जदों तुसी रीडिंग चाहे इंस्टीट्यूट विच पकड़ो ते चाहे तुसी एग्जाम हॉल दे विच रीडिंग पकड़दे हो, तुहाडा मूंह बन जांदा। इट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अपॉन योर माइंड एज वैल एज अपॉन योर हार्ट। सो तुसी फोकस नहीं कर पाते गे, अपनी इस वीकनेस तो बाहर आओ। तुसी ये समझो कि रीडिंग ही एक आसान मड्यूल है एज कंपेयर टू अदरस। गाइज देखो, इन्नी गल मैं कॉन्फिडेंटली क्यों कह रही हूँ कि रीडिंग ही आसान मड्यूल है। तुसी कहोगे सानू तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता वै रीडिंग। नो, नैवर। रीडिंग ही ईजी मड्यूल है एज कंपेयर टू अदरस। ध्यान नाल गल सुनो, जिहड़ी स्पीकिंग है वह तुहानू एट अ टाइम पता चलनगे कि तुहानू की क्वेश्चन बोलने हैं। एट अ टाइम तुसी गलत बोल दो, एट अ टाइम तुसी सही बोल दो, कुछ पता नहीं लगना। उदो लिसनिंग विच स्पीकर ने बोल के चले जाना वै। राइटिंग दे विच तुहानू पता नहीं है किहड़ा टॉपिक आ जाना वै, तुहानू तुसी कुछ भी तुहानू लिख के आना पैना वै। ठीक है, उहदे ते तुहानू आइडियाज खुद जनरेट करने पैने आ, खुद एग्जाम्पल क्रिएट करनी पैनी है। बट रीडिंग एक इहोजा मड्यूल है जिस दे विच सारे आंसर दिते हुंदे आ, बट एक पजल नू सोल्व करना हुंदा वै, आंसर लभने हुंदे आ। जस्ट 5-6 पेजिस हुंदे आ जिस दे विच सारे आंसर दिते हुंदे आ, बस तुसी लभना हुंदा वै, फाइंड आउट करना हुंदा वै। ठीक है, सो अपनी इस वीकनेस नू रिमूव करो कि रीडिंग डिफिकल्ट मड्यूल है, वी कैन नॉट डू इट। भावें असं जिन्नी बारी मर्जी पेपर दे दिए, नो, इट्स इनू रिमूव करो। ठीक है, पॉजिटिविटी गैट करो ताकि तुसी अपने वधिया बैंड स्कोर लै सको। ठीक है गाइस, हुण सैकेंड गल की हैगी, जदों तुहानू क्वेश्चन पेपर तुसी देखते हो, लाइक फस्ट पार्ट मान लैने आपां लिस्ट ऑफ हैडिंग है। ठीक है, तुसी फटाफट ना हैडिंग्स लभन लग जाते हो कि 8th वाली हैडिंग बी पैराग्राफ विच ना मैनू मिल जाए, मैनू डी दे विच ना मिल जाए, 8th हैडिंग मैनू ई पैराग्राफ दे विच ना मिल जाए। उहदे नाल तुहाडा की हुंदा वै, एक तो टाइम वेस्ट, एक की है प्रेशराइज माइंड दे उत्ते कि मेरे तो इन्ने ज़्यादा क्वेश्चन पए हुए है, मैं इन्हां नू कैवें फाइंड करांगा, मैनू तो एक 8th हैडिंग ही नहीं मिलती पेगी कि किहड़े पैसेज दे विच है। गाइस, सब तो बेस्ट मैथड है लिस्ट ऑफ हैडिंग्स दे विच एलीमिनेट मैथड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे विच एलीमिनेट मैथड। ठीक है, एक हुंदे है क्वेश्चन लाइक 14 to 18, 18 to 22 क्वेश्चन इदां दे हुंदे है, A to H हुंदे है, उहदे विच असी 4 ऑप्शन सही चुनियां हुंदियां वा, उह लिसनिंग दे विच वी हुंदा वा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुहाडे सोल्व होने हैं एलीमिनेशन मैथड दे नाल, इवन कि समरी भी एलीमिनेशन मैथड दे नाल। तुहानू जिहड़े भी पार्ट दे विच प्रॉब्लम आउंदी है ना गाइस, विदाउट एनी हैजिटेशन एज अ फ्रेंडली कमेंट बॉक्स दे विच दसो, उस टॉपिक ते मैं तुहाडे नाल कल वीडियो शेयर करांगी। सो सबसक्राइब माई चैनल तुसी ताकि वह वीडियो गैट कर सको जिहड़ी तुसी मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दसोगे। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक ये आपां गल करिए तुहाडी प्रैक्टिस। तुसी प्रैक्टिस ही नहीं सही ढंग नाल करदे गे, प्रैक्टिस सही ढंग नाल नहीं करदे गे, कहण दा मतलब है कि तुसी जदों एक रीडिंग सोल्व करदे हो ना, मान लो तुहाडे 40 दे विच्चों 30 आए हैं। ठीक है, 7 बैंड आए हैं, 7 बैंड कोई थोड़े नहीं है, बट तुसी चाहुंदे हो 8, 8.5,
पर तुसी की करते हो जेडे तुहाडे 10 क्वेश्चन गलत होए है टिक टिक क्रॉस करके चलो जी मोबाइल फोन चलो जी एक खा पी लिया बस तुसी की करना मैं जदों तुसी रीडिंग सॉल्व कर ली है जेडे तुहाडे 10 क्वेश्चन गलत होए है उन्हां 10 क्वेश्चंस दे उत्ते 2 घंटे स्पेंड करो चाहे आफ्टर यूजिंग मोबाइल फोन चाहे आफ्टर रेस्टिंग चाहे आफ्टर हैविंग मीटिंग बट स्पेंड करो 2 घंटे 1 घंटा जिन्नी देर तक तुसी 10 क्वेश्चन दा आंसर खुद लब नहीं लेंदे विदाउट यूजिंग इंटरनेट गाइस इदां ही तुहाडी इंप्रूवमेंट होनी है अदरवाइज तुसी भूल जाओ कि तुहाडे अबैंड स्कोर गुड आ जाणगे जिन्नी देर तक तुसी खुद एनालाइज नहीं ना करदेगे थॉमस एडिसन ने भी 1000 वारी बल्ब खुद ही बनाया सी ओदे टीचर जां ओदे फ्रेंड ने आके उन्हूं सजेस्ट नहीं किया सी उन्हें इंटरनेट तो हेल्प नहीं लती सी ठीक है सो तुहानू में खुद थॉमस एडिसन बनना पैना है अपने रीडिंग दे बल्ब नू जगाउन दे लई मेन तुहाडा एनालाइज नहीं तुहाडे इंप्रूवमेंट ते गुड इंपैक्ट पाना है ठीक है गाइस जेकर ये वीडियो वधिया लगी होवे जेकर इस वीडियो दे थ्रू तुहानू ए पता लग गया होवे कि असी रीडिंग कितना सॉल्व करनी है तुहानू कुछ ना कुछ सीखन नू मिलिया होवे तुहानू कुछ गल्लां तुहाडे हार्ट नू टच कीतियां होन देन प्लीज गाइस इस वीडियो नू शेयर करिया जी अपने फ्रेंड्स दे नाल तां कि तुहाडे फ्रेंड्स नू मैथड पता लग सके कि रीडिंग कितना सॉल्व कीती जा सकती है ठीक है कल दी वीडियो होएगी अकॉर्डिंग टू योर डिमांड कि केड़ी वीडियो चाहते हो रीडिंग दे विच पार्ट दी ठीक है ते परसों दी वीडियो मीन्स टू से संडे होएगी लिसनिंग दे एमसीक्यू हाँ जी गाइस आई नो वेरी वेल कि लिसनिंग दे एमसीक्यू तुहानू बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं संडे दी वीडियो होएगी लिसनिंग एमसीक्यू संडे तुहाडी ए वी प्रॉब्लम सॉल्व ठीक है इस प्रॉब्लम विचों भी तुसी आउट हो जाओगे सो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल एंड आईएलएस विद सोफिया जॉइन माय चैनल ऑन टेलीग्राम टू गेट द लेटेस्ट मटेरियल ओके गाइस गॉड ब्लेस यू टू मच बट डोंट फियर रीडिंग तो नहीं डरना रीडिंग नू डराना है कि असी तेनू सॉल्व कर सकते हैं ओके गाइस गॉड ब्लेस यू